छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना आगामी 3 फरवरी को शुरू करने जा रही है। ग्रामीण मजदूर वर्ग के लिए लॉन्च की जा रही इस योजना को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया गया है। इसका शुभारंभ सांसद राहुल गांधी के मुख्य अतिथि में राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में किया जाएगा। इसके साथ ही राजीव विकास क्लब योजना के तहत राशि का आवंटन किया जाएगा। वहीं वर्धा के तर्ज पर नवा रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम की आधारशिला रखी जाएगी। इस समारोह के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस पूरे आयोजन के दौरान साइंस कॉलेज मैदान में विभिन्न स्टॉलों के जरिए छत्तीसगढ़ के विकास की झलक देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद न्याय सबो बर सबो डहर के ध्येय को लेकर काम शुरू किया गया। राज्य सरकार सबसे पहले किसानों के लिए न्याय की योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आई, जिससे किसानों को उनकी लागत की उचित कीमत मिल सके। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को फसल विविधीकरण और उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आदान सहायता के रूप में बड़ी धनराशि दी जा रही है। वहीं गोधन न्याय योजना लागू कर राज्य सरकार गौपालकों को किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी कर उन्हें सीधे लाभ दे रही है। और बहुत उत्साह है राहुल जी के आगमन को लेकर, और जो तीनों कार्य होने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना तो देश में पहली बार किसी प्रदेश में लागू होगा, उसकी शुरुआत माननीय राहुल जी की उपस्थिति में होगी। दूसरा जो सेवाग्राम नया बन रहा है रायपुर, नवा रायपुर में, उसके प्रति भी जो गांधीवादी विचारक हैं पूरे देश और दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र बना है, वो तो बहुत उत्सुकता है। और तीसरा अमर जवान ज्योति यहाँ छत्तीसगढ़ में उसकी स्थापना की जाएगी। तो ये तीनों कार्य बहुत विशेष है, राहुल जी व्यक्तिगत रुचि लिए हैं और बड़ी प्रसन्नता भी व्यक्त किए हैं। खटपट न्यूज़।